हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, अभी आया था, ये 2019 का एडवांस का है, तो काफी लोगों ने इसको बहुत अजीब तरीके से कर रखा है, अनसर्टेनिटी और कई कंसेप्ट लगा के, बट यही वाला उस लेवल की कंसेप्ट कभी नहीं पूछेगा। इसने बहुत सिंपल से चीजें पूछी थी इसमें, ठीक है ना, जिसको आप जैसा पढ़ते हो एकदम वैसे कर सकते हो। देखिए क्या कह रहा है कि एक थिन कन्वेक्स लेंस है, मटेरियल N1 N2, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिसेस है, तो यहाँ पर ये दो आपको दे रखे हैं, एक है आपका N1 है, एक का मटेरियल N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब दोनों का सेम है, व्हेन N1 इक्वल्स टू N2 है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो आपको आती भी है फोकल लेंथ निकालनी, हम पढ़ चुके हैं, फिर द फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू N, और फोकल लेंथ आपकी F+Δ F हो जाएगी अगर आपका N1 N हो गया और N2 N+Δ N, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कर दिए, तो भी आपको निकालनी आती है। आप इसको एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ट्रीट कर सकते हो, जिसमें कि दो लेंसेज ऐसे बन जाएंगे, एक आपका इस तरह से बन जाएगा और दूसरा आपका लेंस ऐसे बन जाएगा। इन दोनों लेंसेज के आप नहीं निकाल सकते क्या अलग अलग? फोकल लेंथ निकाल सकते हैं इसकी, 1/F=1/F1+F2 से हम तब भी निकाल लेंगे। तो आपको देखो यहाँ डेल्टा दिख रहे होंगे, तो आपको दोनों का चेंज इन फोकल लेंथ निकाल, तो इतना सही प्रॉब्लम है, सारे उसी से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले लगाओ आप इसमें (1/F=(μ−1)/(1/R1−1/R2), तो आपको पता है कि ये वाले जो रेडियस है इस साइड के, आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया आपने इधर वाली, ठीक है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली, तो पहली रेडियस +R होगी, दूसरी -R, तो लेंस मेकर फार्मूला लगाया आपने इनिशियल फोकल लेंथ निकालने के लिए, जबकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल n थे। ठीक है, तो बहुत सिंपली आप इस वाले इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है ना, पुट करते हुए R, क्योंकि R2 नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका सेंटर, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का, तो इस तरह से आपके पास 1/F आ जाएगा। ठीक है, और 1/F2 के लिए आपने लेंस इस तरह का है, तो एक का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन दिया हुआ है, दूसरे का बोला N+Δ N, तो लिख दो आप इसमें (1/F'F') बोल रहा हूँ मैं फोकल लेंथ को, कंबाइंड लेंस की जो इक्विवेलेंट रहेगी वो (1/F') रहेगी, तो (1/F1) का फार्मूला, ठीक है ना, वही लेंस मेकर (μ−1), यहाँ ध्यान देंगे अब ये वाली जो सरफेस है ये सेकेंड सरफेस होगी, तो ये फ्लैट सरफेस, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने R2 यहाँ पर क्या लिए, इन्फिनिटी ले ली, और R पॉजिटिव ही है, कैपिटल R, जब मैं दूसरे लेंस के लिख रहा था तो दूसरे लेंस की फोकल लेंथ क्या थी, इन्फिनिटी थी इस पहली सरफेस की, और दूसरी सरफेस की क्या थी, -R थी, तो आपका F2 भी आ गया, तो अब F' निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, एकदम क्लियर है, (1/F′)=(1/R) N1+N2-2, ये 1/F' आ जाएगा आपका इस तरीके। ठीक है, N1 N2 की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, N कितना आ गया, N आ गया, N+Δ N आ गया -2, ठीक है, तो 1/F' आ गया (1/R)(N−1+Δ N, ठीक है। अब आपको क्योंकि डिफरेंस निकालना है, तो आपको ये भी दिख रहा है पहले वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से, ये (2N−1)/(1R) क्या लिख सकते हैं, हम 1/F लिख सकते हैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन से, (1/F=(2×N−1)/(R), इसको उठा के रखो वहां पे आप, ठीक है ना, तो 1/F′ की जगह क्या आ जाएगा, (1/F′=(1/F+Δ N)/(R), अब आप बहुत ही सिंपल सा 1/F को लेफ्ट साइड ले जाओ। अब यहाँ एक चीज का ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर ये (F−F′) बन रहा है इस जगह पे, ये आपका (F−F′) बन रहा है यहाँ, ठीक है ना, लेकिन आपका जो (Δ F) है वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया, फिर लिखा मैंने (F′−F) इज इक्वल टू (Δ N)/(R), ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ गया माइनस, ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी (−Δ F)/(F) इज इक्वल टू (F′Δ N)/(R), तो ये आ गया आपका (−Δ F)/(F) = F' की वैल्यू उठा के रख दी अभी जो आपने F' निकाली थी, क्योंकि (Δ F)/(F), और देखो आप फर्स्ट पार्ट देखो इसका, फर्स्ट पार्ट में आपको (Δ N), यहाँ देखो आप इस जगह आपको (Δ N)/(N) और (Δ F)/(F) में रिलेशन चाहिए, यहाँ भी वही चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए आप F' की वैल्यू उठा के रख दी मैंने, आप
एफ डैश की वैल्यू आपकी इस जगह पर रिप्लेस कर दी इस इक्वेशन में, ये आपका एफ डैश था, ये पता है एफ डैश ऊपर निकाल चुके हो, ठीक है। तो इस एफ डैश को कहाँ से रख दिया, यहाँ से रख दिया इक्वेशन नंबर 2 से, आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन प्लस डेल्टा एन, इक्वेशन 2 से रिप्लेस कर रहा हूँ उसको। देखो क्या आ गया, आर अपॉन 2n-1 प्लस डेल्टा एन इक्वल्स टू डेल्टा एन अपॉन आर, ठीक है ना। अब आपको एक चीज और दे रखी है, वो आपको एक चीज और दे रखी है, तो ए पार्ट के लिए तो अपना आंसर यहीं से आ जाएगा। ए पार्ट था क्या आपका, ए पार्ट का क्वेश्चन क्या था, डेल्टा एन अपॉन एन लेस देन जीरो देन डेल्टा एन एफ अपॉन एफ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो वो आपका यहीं से आ जाएगा, देखो आप डेल्टा एन को आप डालो लेस देन जीरो, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, इसको इस वाली को इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं बोल सकता हूँ क्या, ये देखो इक्वेशन नंबर 2 से 3 भी बना दो एक बार, ये बन गई आपकी। डेल्टा एन तो क्या है, बहुत छोटा है, ये 2 बन गए, उसको बोल रखा है शायद, ठीक है ना। 3 और 4 इक्वेशन देखो आप, 3 और 4, ठीक है ना। तो 3 और 4 में डेल्टा एन एन माइनस वन से बहुत कम है, ये लिखा हुआ है आपका गिवेन है, तो आपका माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एन अपॉन ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन रख दो। अब यहाँ से पार्ट ये निकल के आ जाएगा, अब देखो एन माइनस वन एन ग्रेटर देन वन है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन वन हो, अब एन भी हमेशा पॉजिटिव है। तो ये जो पहला पार्ट कह रहा है यहाँ पर, ये जो ए पार्ट की बात कर रहा है कि आपका डेल्टा एन अपॉन एन लेस देन जीरो का मतलब डेल्टा एन लेस देन जीरो, तो देखो डेल्टा एफ अपॉन एफ ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, इससे आप देख सकते हो बिल्कुल। अगर इक्वेशन नंबर 4 से डेल्टा एन लेस देन जीरो, तो डेल्टा एफ अपॉन एफ ये लेस देन जीरो हुआ, इधर भी माइनस है लेफ्ट साइड, तो डेल्टा एफ अपॉन एफ क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो बी ऑप्शन देखते हैं अपन, इसका बी में वैल्यूज पुट करनी है एन डेल्टा एन और एफ। डेल्टा एन यहाँ पे 10^-3 है, ठीक है ना, डेल्टा एन 10^-3 है, और आपको डेल्टा एफ की वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ डेल्टा एफ की, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट कर देंगे, देखो यहाँ वैल्यू लिख दी मैंने, ये एन इक्वल्स टू 1.5, डेल्टा एन 10^-3, एफ इक्वल्स टू 20, तो आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा एफ निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा एफ की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में ही कर दो, यार 3 में कर दो, फिर तो अपने आप यहाँ पे देखो 10^-3 है, तो अपने आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इधर 1 बनेगा, 1 + 10^-3, तो आपने 10^-3 नेगलेक्ट करते हुए क्या आ जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, यही आपका दे भी रखा है, तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखो, तो आपको केवल लेंस मेकर लगाना पड़ा और 1/F1 + 1/F2, बाकी सारा उसी से बन जाएगा और कुछ नहीं करना है आप, ठीक है ना। तो सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट देखो आप, सी पार्ट में कह रहा है कि डेल्टा एफ अपॉन एफ इज लेस देन डेल्टा एन अपॉन एन, ये भी अब बहुत आसान है, यहाँ पे रख दो आप इसमें, ये देखो आप इसको, ये आपका आ गया था डेल्टा एफ, अभी आया आपका इक्वेशन जो रिलेशन आया डेल्टा एफ अपॉन एफ में, तो आप इसमें से एन कॉमन ले लो इस इक्वेशन, तो ये बनेगी क्या, अगर एन कॉमन ले लूँ यहाँ से, अगर मैं एन कॉमन निकाल लूँ तो n1 - 1/F एन बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करो इसको, लिखो आप डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन एन, वाइस भी इधर लिया हो आप, तो ये क्या बन जाएगा, इधर बनेगा 1/1 - 1/n, ठीक है। और आपको दे रखा है कि एन मस्ट बी ग्रेटर देन वन, तो 1 - 1/n < 1, तो इसलिए आर एच एस पूरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा, 1 के नीचे 1 से छोटा लिखोगे, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ अपॉन एफ ग्रेटर देन डेल्टा एन अपॉन एम, तो डेल्टा एन अपॉन एम तो डेल्टा एफ अपॉन एफ के ट्वाइस से भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। और इसने क्या बोल रखा है आपको, डेल्टा एन अपॉन एन ग्रेटर देन डेल्टा एफ अपॉन एफ, तो ट्वाइस से ज्यादा है, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे शायद, ये 1 से छोटा हुआ, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एन, ये ग्रेटर देन का साइन आएगा ना इधर, ये 1 से बड़ा होगा ना आर एच एस, ये गलत कर दिया, बताएंगे यहाँ से,
यहाँ पर ये क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एन अपॉन एन, क्योंकि यहाँ पर वन माइनस वन अपॉन एन लेस देन वन, ठीक है। तो डेल्टा एन अपॉन एन तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ अपॉन एफ से भी छोटा आ रहा है, ठीक है ना, तो उससे बड़ा कैसे हो सकता है, इसलिए थर्ड आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ पे आओ, फोर्थ में कह रहा है कि अब उसको लेंस को आपने कॉनकेव कर दिया, यही कह रहा है। फोर्थ में क्या कह रहा है आपको, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ अपॉन एफ एंड डेल्टा एन अपॉन एन रिमेन्स अनचेंज इफ बोथ द कॉन्वेक्स सर्फेस आर रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव सर्फेसेस और सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसमें भी रिलेशन निकाल लो, सेम प्रोसीजर। पहले आपने वन अपॉन एफ के लिए फार्मूला लगा दिया तो आपके बाद इक्वेशन वन आ जाएगी, देखो। फिर आपने वही ध्यान रखते हुए साइन का, अब जो है एक इन्फिनिटी है दूसरी वाली वैसी, और पहले वाली नेगेटिव है दूसरी वाली पॉजिटिव है, तो आप देखो बस माइनस का फर्क आएगा और कुछ नहीं आ रहा। वन अपॉन एफ डैश कितना आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, वही वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू लगाते हुए, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से आपका जो वन अपॉन एफ डैश आ रहा है, देख लो आप, बिल्कुल वैसे ही करा है सेम तरीके से, ठीक है ना। वन अपॉन एफ डैश का फार्मूला लगाया, वन अपॉन एफ वन प्लस एफ टू, तो इक्वेशन नंबर टू आ गई आपके पास। अब आपने बिल्कुल उसी तरह से वन अपॉन एफ डैश माइनस वन अपॉन एफ निकालेंगे एकदम, ठीक है। तो आप देखो उस मैनिपुलेशन करने के बाद एकदम सेम रिलेशन ही दिखेगा, ठीक है ना। वही रिलेशन है जो आपने ऊपर निकाला ना, अभी माइनस वन अपॉन एफ के साथ माइनस आ गया था, और फिर आपका वन अपॉन एफ डैश भी नेगेटिव आ गया, बट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं है, वही रिलेशन है बिल्कुल। डेल्टा एफ अपॉन एम बिल्कुल उसी तरीके से निकाला है मैंने, ठीक है ना। एफ डैश की वैल्यू जैसे वहां रिप्लेस करी थी वैसे यहाँ भी रिप्लेस करी, एक बार करो इसको, सीधा ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी या कुछ नहीं है, ठीक है ना। सीधा आंसर है इसका, आप देख सकते हो इसमें रिलेशन वही आ गया। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे इसके क्वेश्चन के, फाइनल आंसर्स हो जाएंगे इसके, ए आ गया, बी आ गया और डी आंसर, तीन आंसर है, सी गलत है, तो बाकी ठीक है। चलिए।